तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं. सीमी हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, व्हाट वाज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है मेरे भाई? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. अब आप देखें इस सवाल में करंट एसेट्स क्या क्या होंगे. एक है इन्वेंट्री, सही है, एक आप इन्वेंट्री ले लें कैलकुलेटर में, एक ट्रेड रिसीवेबल इसमें प्लस कर दें, और फिर कैश. ये तीनों क्या है, करंट एसेट्स, तीनों को ऐड कर लें. अब इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को क्या कर दें, माइनस कर दें. करंट लाइबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल, इसको माइनस कर दें, और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें. लोन को इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि लोन जो है ये 2021 में हम पे करेंगे, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, सही है ना. जिस वक्त मैं लेक्चर बना रहा हूँ अभी हम खड़े हुए 2018 पे, क्योंकि हम 3 साल के बाद ये रीपे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन करंट लाइबिलिटी. हाँ, अगर मैं खड़ा हुआ 2020 में, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं 2020 में और लोन 2021 में रीपे हो रहा है, तो फिर ये लोन आपके लिए क्या होगा, करंट लाइबिलिटी होगा, सही. अगर नेक्स्ट ईयर पे करते हैं तो करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद पे करते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटी. लेकिन जिस साल में ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, तो उस साल में ये लोन क्या था, नॉन करंट लाइबिलिटी, सही. और अगर लोन के बारे में अगर डेट ना दी हुई हो, तो लोन ऑलवेज अज्यूम करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, अनलेस अदरवाइज ये बोलेगा शॉर्ट टर्म लोन. अगर शॉर्ट टर्म लोन बोलेगा तो करंट लाइबिलिटी, अगर कोई डेट ना दे तो नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर नेक्स्ट ईयर की डेट है तो करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद है तो नॉन करंट लाइबिलिटी. तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लें, वर्किंग कैपिटल आ रहा है 76.